अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे। तो दोस्तों आज ना हमारी वीडियो में बहुत अच्छा एक सरप्राइज है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो का लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। तो आज की खुशखबरी है वो मैं आपको सामने वाले सेटअप पे चल के ना डायरेक्ट दिखाऊंगा। अभी फिलहाल मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि हमारा जो ये वाला चिक्स है ना, ये वाला चिक हमारा प्यारा सा जो बीमार हो रहा था असील, ये देखे माशाल्लाह बिल्कुल सही है। कल रात भी मैंने इसको दवाई दी थी तो माशाल्लाह से इसने दवाई पीने के बाद ना आज ये थोड़ा बेहतर नज़र आ रहा है, वरना कल से तो बस ऐसी गर्दन लटका के ही बैठा हुआ था। तो माशाल्लाह आज थोड़ा बेहतर है। और हमारा ये चूजा, इसको मैंने अलग ही बंद करके रखा हुआ है। इनकी ना मैंने सोचा यार वैक्सीन कर दूँ, क्योंकि कुछ चिक ना ऐसे हो रहे हैं जैसे मुर्गे, और जो ना कुछ चूजे भी हमारे वो वाले जैसे चूजा है ना, इसको मेरे को लग रहा है इनके पेट में कीड़े, तो डिवॉर्मिंग के बाद शायद ना वो सारे सेट हो जाए। और तोतों की भी कर देंगे, क्योंकि देखें ये लोग ऐसे सुस्त बैठ रहे हैं, इनकी जान मान शायद अभी बंद नहीं रही है। और तीसरी बात, हमारे जो चूजे हैं ना, इनकी भी जब से ये आए हैं, मतलब पैदा हुए हैं, बड़े हो रहे हैं, इनकी भी वैक्सीन नहीं हुई है। तो माशाल्लाह से यार हमारे सारे चूजों की तकरीबन दुम निकल गई है। ये देखें इसकी भी निकल गई, इसकी भी निकल गई, माशाल्लाह इसकी देखें कितनी लंबी दुम निकल गई है। और सबके पर भी माशाल्लाह इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े निकल गए। हाँ भाई, इकोरियम का इन्होंने कबाड़ा कर दिया, ये देखें उसके साथ ना फीड मिक्स हुई है सारे पत्थरों के साथ। अब क्या कर सकते हैं, इनको रखना है इसमें मजबूरी है, क्योंकि वैसे ठंड होती है बाहर ना, इसमें ये शीशे का है ना ये गहरा भी थोड़ा, और इसमें ये लोग सेफ भी रहते हैं। और अब उछल उछल के बाहर आ रहे हैं, अब इनका कुछ ना कुछ इंतजाम करना पड़ेगा लाजमी हमें। यार ये मुर्गी की हरकतें देखें, ये ना हमारे किंग के पर नोच रही है। हम मुर्गियों को ना जो पर खाने वाली और अंडे जो खाती है ना, उन सबको ना हटा देंगे यहाँ से। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम शायद आईडी का नाम शेख साहब करके कुछ है, उन्होंने भी बोला था कि भाई आप सेटअप से ना मुर्गियाँ हटा दें, जो जो अंडे पी रही हैं और पर वगैरह भी वैसे खाती हैं वही मुर्गियाँ खाती हैं, वरना वो बाकी की मुर्गियाँ भी ख़राब कर देंगी। और बिल्कुल ऐसा ही है, जो हमारे पास एक दो मुर्गियाँ हैं ना जो अंडे खाती हैं, कौन सी हैं, कहाँ गई, ये अंदर बंदे देखें कैसे उकड़ के बैठी हुई है, इसने फट्टे भी करें, ये अंडे भी खाती है और जो है ना सबको इसने आदत भी लगा दी। हमारी ब्लैक वाली नई मुर्गी है ना जो, ये वाली, इनको भी इसने आदत लगा दी अंडे खाने की। और दो तीन और मुर्गी हैं जिनको ना मतलब इन लोगों को आदत लगा दी है। तो यार फौरन हम लोग सेटअप से हटा देंगे। तो हमारे सारे मुर्गा मुर्गी देखें कैसे पागल हो रहे हैं, कपड़ों के नीचे से दिखाता हूँ। यार कपड़े मैं यहाँ से हटा नहीं सकता, क्योंकि यार आपस की बात है, हम घर से इतनी डांट पड़ती है, बस पता है मेरी किस हरकत की वजह से, जब मैं छत पे आता हूँ तो ये कपड़े सारे यहाँ से हटवा देता हूँ। घर के कपड़े डले हुए हैं, या फिर अगर इनमें से कोई एक कपड़ा भी नीचे गिरता है तो ये मुर्गा मुर्गी उसकी हालत ख़राब कर देते हैं। ये लोग बेचारे देखें कितने नीचे, मतलब कपड़ों का इनका सेपरेट पोर्शन हो गया, कपड़े इधर डले हैं ना, कपड़े डलने के बाद ये देखें इनका एरिया अलग हो गया। तो यहाँ पे ना रात में ही मैंने ये मुर्गियाँ डाल दी थी, जो कल मैं लाया था ना सेटअप पे, ये मुर्गी सामने वाली जो उनकी बहन है, और ये मुर्गी और हमारी फाइटर रात में यहीं छोड़ दी थी। कपड़ा कपड़ा इसके ऊपर जो है ना ऐसे यूँ करके डाल दिया था। हमारी फाइटर ने रात में ना अंडा दिया था, पता है आपको, मैंने सुबह आके देखा इसने रात में अंडा दिया, पता माशाल्लाह से। इससे बच्चे अलग करे हैं नहीं, इसने अंडा पहले दे दिया, लेकिन अब पता नहीं है मुझे कि इसने कौन सा मुर्गे से लग के दिया है। मुझे लगता है ये असील से नहीं, फैंसी किसी मुर्गे से लग गई हुई है और इसने अंडा दे दिया हुआ है। ये माशाल्लाह से हमारे चूजे देखें कितने बड़े बड़े हो गए। यार अभी मैं गुजर ही रहा था यहाँ से, माशाल्लाह से मैंने देखा हमारी जो मैडम है ना, इसने भी अंडा दिया हुआ है। यार मैडम का पहला अंडा फिर से आ गया, इसके साथ बच्चा है, उसके बावजूद इसने अंडा दिया। अंदर जाओ बदतमीज मुर्गी। यार ये बाहर आएगी मैं अंडा उठाने के लिए, अंदर ही रहना। ये रहा मैडम का पहला अंडा। यार मुझे समझ नहीं आ रहा है किस मुर्गे से जोड़ा लगा के अंडा दे रही है, इसको तो मैंने किसी मुर्गे के साथ भी जोड़ा। अंदर ओए बाहर आ गए, ये अपनी मनमानी करती है सिर्फ। अभी अंडा रखता हूँ, इसको पकड़ के अंदर छोड़ता हूँ पहले, वरना घूमती रहेगी बाहर, सबसे फटे करेगी। तो यार बड़ी मुश्किलात के बाद मैडम को पकड़ लिया, बहुत थका यार इसने, बहुत एक अंडा दिया है, एक अंडे के बदले इतना ज़्यादा थका दिया, इसका अंडा नीचे रखना पड़ेगा। तो यार टाइम जाया कि अगर मैं आप लोगों को लेके चलता सामने वाले सेटअप पे, और जो सरप्राइज है ना वो आप लोगों को दिखाता हूँ अभी। तो यहाँ पे आते ही सबसे पहले ये आई है, मुझे देखा है और भाग गई ये। हैं तुम्हारी टांग सही हुई, टांग सही हो गई, इसने यार कब बच्चे देने, इतना टाइम हो गया अभी तक दी नहीं है, भागती ऐसे जैसे बच्चे अच्छे हैं नहीं। दोस्तों हमारी जो लंबी वाली डक्स है ना, ये तकरीबन एक दिन छोड़ के एक दिन अंडे दे रही हैं, ये वाली छोटी वाली रोज़ दे रही है। आज सुबह भी इनका अंडा आया था, बहुत जल्द सारे जमा हो जाएंगे इंशाल्लाह।
ये रहा हमारा सरप्राइज, ये मुर्गी यहाँ बैठी हुई है, इसने अंडे वहाँ पे तीन अपने छोड़ दिए हुए हैं। और भाई बच्चे दिखाओ, बच्चे दिखाओ कहाँ हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह तीनों बच्चे इसके, ये रहे, एक ब्लैक है, एक ब्राउन है और एक बिल्कुल सेम जो हम ऊपर लेके गए थे ना, इसी के जैसा ही है, सेम टू सेम। तीन बच्चे इसने निकाले हुए हैं, बाकी के अंडे अभी चेक करते हैं। इसमें बच्चे हैं तो इस मुर्गी को दोबारा बिठाना पड़ेगा। इसमें अंडे, इसमें तो बच्चा है, इसमें बना हुआ है, वो वाला दिखाओ। नहीं ये खाली है, ये वाला हटा दो। ये इसमें भी मुर्गी खुद नहीं बैठती ध्यान कर, इसमें इन दोनों में बच्चा है। इन दोनों को उठा के ना वो वाली मुर्गी के नीचे रख दो, शायद निकल आए इसमें से बच्चे। तुम क्या देखने आए हो, तुम क्या देख रहे हो, चलो। अच्छा हमारी छुटकी मुर्गी के इतने प्यारे प्यारे छुटके छुटके बच्चे निकल आए हैं। ये सबसे छोटा है, इधर आओ। माशाल्लाह कितना प्यारा है मुन्ना चूचे। वे कब आए तुम बाहर, जाओ यहाँ पे चुको थोड़ी देर, अभी तुम्हें ले जाएंगे सामने। वाली मुर्गी जिसके नीचे हमने सारे अंडे रख दिए थे, इसके अंडों की सूरत हाल, इसने अंडे तोड़ दिया, एक अंडा फिर तोड़ दिया, वो टूटा हुआ पड़ा हुआ है, चटक गया इस बेचारी से। ये अंडा निकालते हैं यार, हमने अंडे भी तो ज़्यादा रखे ना यार, छोड़ो ये अंडे वैसे भी ख़राब हो गए होंगे, इनको मशीन में रख देता हूँ मैं कुछ टाइम के लिए, बाकी इसने वैसे ही अंडा टूट गया, ख़राब अंडा इसके नीचे उठा लो, हटो आगे से हटो, मुझे जाने तो दो, चलो। फाइनली यार मुर्गी और उसके बच्चे ले आए हम लोग यहाँ पे, छोड़ो मुर्गी लेकिन लड़ेगी, इसको किसी केज में डालो, इस मुर्गी को ले आओ, इन किसी केज में डाल दो, इसको अंडे ये दोनों में यहाँ रखो पहले, ये चूजे को इकोरिया में बंद करते हैं, मुर्गी यहाँ छोड़ दो, आ जाओ बेटा तुम बदमाश, छोड़ दो मुर्गी यहाँ छोड़ दो, बच्चे भी डाल दो इसके। माशाल्लाह ये ले पकड़ो, इसको इकोरिया में डाल दो, ये खाना सिखाएगी उनको। माशाल्लाह से कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे चूजे, ये ब्लैक ब्राउन और वाइट तीनों कलर के चूजे निकले इसमें। चलो भाई जाओ अपनी मम्मा के पास जाओ, अब इनको पानी रख देते हैं थोड़ा सा, ताकि पानी पी लें, इनका पेट पेट साफ हो जाए। मुझे लगता है ये रैबिट है ना यहाँ कहीं जगह बना रहे हैं, यहाँ पे ये ना सुरंग में बच्चे बच्चे ना दे दे बस कहीं पे, ये गुड़ वाला पानी मैंने इसमें बना लिया है। अब देंगे हम अपने छोटी छोटे प्यारे प्यारे से नए वाले चूजों को, आ जाओ भाई आ जाओ, आप लोग के लिए पानी आया है, आओ चलो। अब ये फीमेल पीना सिखाएगी इनको, तो ये पियेंगे वरना इनको पीना नहीं आएगा, मुझे या तो फिर हाथ से पकड़ के पिलाना पड़ेगा, फीमेल चोंचे ना लगाए। ठीक है देखो मज़ा आएगा, बस हाँ पी रहा है माशाल्लाह से, पियो पानी पियो, ये पी गया। तो तीनों को मैंने पानी पिला दिया है, अभी पहली पहली दफ़ा इन्होंने पानी पिया है ना, थोड़ा टाइम लगेगा इनको, इनका ना पेट जब सेट हो जाएगा तो इंशाल्लाह जैसे हमारे इकोरियम में चिक्स पड़े इंशाल्लाह ये वैसे ही हो जाएंगे। इकोरियम वाले चिक्स से याद आया, इकोरियम वाले चिक्स तो मैंने आज खोले ही नहीं, तो फटाफट उनको रैपिड हाउस में खोल देता हूँ मैं, ताकि वो भी फटाफट चुप हो गए। ये सारे चिक्स मैंने भर लिए, अब इनको लेके जाते हैं रैपिड हाउस में और थोड़ी देर के लिए खोल देते हैं, जितनी देर में रात हो जाएगी फिर जब अंधेरा होने लगेगा तो इनको हम बंद कर देंगे। जाओ भाई जाओ 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 सारे जाओ 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 भाग जाओ जल्दी 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 जाओ जल्दी जाओ जल्दी। अरे निकलो पागल, आते ही यहाँ पे पागल हो गए, ये पागलों की तरह इधर उधर इधर उधर इधर उधर बस किया, भागना शुरू कर देंगे, पागलों की तरह भागेंगे, इनको पता नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, बस इधर उधर पागलों की तरह भागेंगे, देखें भागना शुरू, बस जाहिलों की तरह भागे जा रहे हैं, इधर उधर भागे जा रहे हैं। चलें भागते भागते बाहर निकल जाएंगे, इससे पहले इसको कर देते बंद, ताकि आराम से चुगमुग लें यहाँ पे। वो देखें हमारे रैबिट अंदर बंद हो गया, मेल इसके अंदर गुस्सा होगा और अंदर ही रह गया। चलो बाहर आओ बाहर आओ जल्दी आओ, चलो बदमाश चलो इधर भागो, इनके सही मज़े लगे हुए हैं, इधर उधर घुस जा रही है हमारा फैंसी वाला पनी, पता नहीं क्यों इधर उधर घुस घुस के बैठा होता है, इधर बात सुनो बदतमीज भाग गया। तो दोस्तों हमारे पास ना काफ़ी ज़्यादा मुर्गी के ना अंडे जमा हो गए, मुर्गी के भी बत्तखों के भी, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ हम लोग ऐसे बनाएंगे, कोई ना कोई मुर्गी का कूड़ा खोती है तो उसके नीचे रख देंगे, वरना तो फिर इंक्यूबेटर मशीन हम लोग को मजबूरन चालू करनी पड़ेगी। तो दोस्तों यही था मेरा आज का ब्लॉग, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल, अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह चूज़ खुद से पानी पीना शुरू हो गए, खुद ही पी रहे हैं दोनों तीनों, अभी इनकी माँ ने बताया ना तो पीना शुरू हो गया अभी।